दोस्तों, खराब अंपायरिंग एशिया कप के शुरुआत में पहला मैच में ही हमें देखने को मिला है, जहां पर एक नॉट आउट डिसीजन को आउट करार दे दिया गया अंपायर द्वारा। दोस्तों, ये ऑनफील्ड अंपायर होता तो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों ये था टीवी अंपायर द्वारा दिया। दोस्तों, जब टीवी अंपायर द्वारा ऐसे खराब डिसीजन लिया जाता है तो आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों चलिए आपको कहते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, श्रीलंका और अफगानिस्तान का जो पहला मैच था एशिया कप का, और इस मैच में प्रथम निशाका वे एक कॉट बिहाइंड अपील का शिकार हुए, जब श्रीलंका का विकेट 3 रन पे 2 विकेट गिर गया था। और ये था दूसरा ओवर, बॉलर था नवेदुल हक और वहां पर अंपायर जो थे उन्होंने आउट करार दिया, और साथ ही साथ श्रीलंका के बैट्समैन ले लिया DRS, और DRS में थर्ड अंपायर बार बार देख रहा था कि ये कॉट बिहाइंड है या नहीं। पहले बॉल को चेक किया, बैट के बहुत नजदीक से बॉल जा रहा था, उसके बाद स्निकोमीटर पे देखा कि जहां पर थोड़ा आवाज होने पे एक ग्राफ हलचल मच जाता है, लेकिन वहां पर बहुत ही छोटा हलचल था, और वो हवा का हलचल हो सकता था क्योंकि पहले या फिर बाद में भी वैसा हलचल वहां पर दिख रहा था, और इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इजीली दिया जा सकता था या फिर इसे नॉट आउट ही करा दिया जाता था। जो कमेंटेटर थे वो भी कह रहे थे, हमने अपने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि इसको आउट करार दिया जाए। या दोस्तों, उसे आउट करार दिया गया था और बैट्समैन हो गए थे आउट। सभी लोग शॉक्ड हो गए थे इस डिसीजन को लेकर, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के सपोर्टर भी शॉक्ड हो गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो डिसीजन सही था या गलत, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको कमेंट का।